हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके पास फिर से एक नया ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि एक सेल्फ ब्रोकेड फैब्रिक को कैसे रेंडर करते हैं। इन दिस ट्यूटोरियल आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ यू कैन रेंडर अ सेल्फ ब्रोकेड फैब्रिक। सो आई एम हियर, आई एम हैविंग अ पिक्चर रेफरेंस फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाई सेल्फ ब्रोकेड फैब्रिक। So this is the self-brocade fabric. It simply means something which is having a design, which is having almost the similar design what you see on the fabric. तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी कपड़ा जिस पे जो design है, जो motif बना हुआ है, वो ऑलमोस्ट उसी कलर में हो जिस कलर में आपका बेस फैब्रिक है। लेट्स से जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, येलो कलर का लहंगा है और येलो कलर में ही उसका डिज़ाइन बना हुआ, तो हम डिज़ाइन को क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं। अब इस केस में कैसे इसको रेंडर करेंगे ये हम जानते हैं, ये हम सीखते हैं आज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मटीरियल रिक्वायर्ड से शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं यूज़ करती हूँ पेंसिल कलर के लिए स्टेडलर। स्टेडलर इज़ द ब्रांड विच आई एम यूजिंग, एंड यू कैन यूज़ पेंसिल कलर ऑफ़ योर चॉइस। आप कोई भी पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं जो यूज़ कर रही हूँ आप वही यूज़ करें। आपको जो भी ब्रांड अवेलेबल है आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यूज़ कर रही हूँ आर्टिस्ट वाटर कलर। यू कैन यूज़ एनी अदर कलर ऑफ योर चॉइस, एनी ब्रांड यू कैन गो फॉर, बट दिस इज़ इफ़ यू आर बाइंग आर्टिस्ट कलर, आई वुड से कैमल इज़ अ रीजनेबली प्राइज ब्रांड। बहुत महंगा नहीं आता है। 24 शेड्स का बॉक्स मैं यूज़ कर रही हूँ, आप कम का भी ले सकते हैं। मैं आपको इस ट्यूटोरियल में इस तरीके से बताऊँगी कि अगर आपके पास कम कलर्स भी हैं तो भी आप ये ड्राइंग कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अभी। सो सबसे पहले हमको अपना बेस कलर डेवलप करना है। बेस कलर के लिए जो मैं यहाँ पे कलर ले रही हूँ वो है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ये जो डिज़ाइन है, जो जो फैब्रिक है वो कुछ ज़्यादा ब्राइट येलो है, और तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो कलर लेंगे वो हम लेमन येलो को और ऑरेंज को मिक्स करेंगे। वी हैव टू मिक्स लेमन येलो, एंड इट इज़ रिटन, मेरे पास जो ट्यूब है उसमें लिखा हुआ है इंडियन येलो। तो ध्यान रखिए, अगर आपके पास ये कलर नहीं है जिसमें इंडियन येलो लिखा हुआ है, आप इसकी जगह प्योर ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लेमन येलो की जगह आपको लेमन येलो ही रखना है, क्योंकि लेमन येलो हर वाटर कलर शेड में आता है। अगर आपके पास 12 का सेट भी है तो भी उसमें वो लेमन येलो रहेगा, और अगर 24 का है तो भी रहेगा, उससे ज़्यादा का है तो भी रहेगा। तो ये बेस कलर है। ये कलर इंडियन येलो भले मिसिंग हो सकता है आपके बॉक्स में, अगर आपके पास कम नंबर के शेड्स का डब्बा है तो आप इसकी जगह ऑरेंज यूज़ करिए, आपको सिमिलर रिजल्ट मिलेगा। मैं बताती हूँ किस प्रपोर्शन में यूज़ करना है। आप अगर ये तीन पोर्शन ले रहे हैं तो आपको ये एक पोर्शन यूज़ करना है, मतलब लेट्स से इसका तीन क्वांटिटी और इसका एक क्वांटिटी। इफ़ यू आर टेकिंग थ्री पोर्शन ऑफ दिस वन, यूज़ वन पोर्शन ऑफ दिस वन। और अगर आप प्योर ऑरेंज यूज़ कर रहे हैं, थ्री पोर्शन ऑफ दिस वन एंड अ टच ऑफ दिस कलर, एंड यू विल गेट एज अ रिजल्ट दिस कलर। आप तो बोलोगे अरे ये तो येलो ही दिख रहा है। हाँ, ये येलो दिख रहा है, लेमन येलो दिख रहा है, पर डिफरेंस क्या आता है, लेमन येलो खुद में बहुत ब्राइट कलर नहीं है। मतलब जब आप उसको पेपर पर डालते हैं सिर्फ लेमन येलो को, तो वो पेल हो जाता है। उस पेल चीज़ को जब आपको कलर को इन्हांस करना होता है तो आप उसमें थोड़ा सा ऑरेंज यूज़ करते हैं, ताकि उसका जो पेलनेस है
वो चला जाए और उसमें ब्राइटनेस ऐड हो। तो जब मैं ये कलर करूँगी तब आपको हल्का सा ब्राइटनेस दिखेगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर हल्का सा ब्राइटनेस दिखेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बेस कलर जो है उसको कंप्लीट करते हैं, उसको हम इस कलर कॉम्बिनेशन से पूरा कंप्लीट करते हैं। मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो आई थिंक ये भी कैमलिन का ही ब्रश है, मैंने एक सिंगल ब्रश खरीदा था, 6 नंबर का ब्रश है। तो आप अगेन कैमलिन, मैं कोई ब्रांड यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, जस्ट दैट मेरे को रीजनेबल लगता है इसलिए आई यूज़ दैट। यू कैन गो फॉर एनी ब्रांड ऑफ योर चॉइस, जस्ट मेक श्योर दैट योर ब्रश इज स्मूथ, दैट्स ऑल इज रिक्वायर्ड। सो लेट्स स्टार्ट पेंटिंग द बेस कलर। सो वंस वी आर डन विद द बेस, इट्स टाइम टू क्रिएट और टू फॉर्म पैटर्न ऑन टॉप ऑफ द ड्रेस। सो देर आर टू कलर्स विच आई एम यूजिंग, वन इज ऑरेंज अदर इज ग्रे, टू क्रिएट द पैटर्न ऑन द ड्रेस। सो इफ यू लुक एट द पिक्चर, if you look at the picture you will see there's a orange tint in the entire dress, even though we mixed a bit of orange in the base color but still we see a lot of orange reflection। to jo brocade kapda hota hai wo bahut sara light reflect karta hai uska surface, especially jab us pe heavy design ho। लेकिन क्योंकि ये सेल्फ फैब्रिक है तो हम वो हैवी डिज़ाइन देख नहीं पा रहे हैं, पर जब वो उसका रिफ्लेक्शन आता है तो आप वो डिज़ाइन देख सकते हैं। जैसा कि आप इस डिज़ाइन में देख सकते हैं, हमने क्यों नहीं बेस को ऑरेंज कलर किया, क्योंकि अगर हम ऑरेंज पहले कर देते तो वी वुड नॉट बी एबल टू गिव द हाईलाइट्स विच यू सी इन द ड्रेस। सो टू अंडरस्टैंड इट बेटर लेट्स स्टार्ट how we can do the highlights, how we can do the folds and everything. So just watch how I am doing it and try to work on the on similar way on the brocade fabric. So aapko dhyan mein bas ye rakhna hai ki brocade fabric mein 3 cheeze important hoti hain। सेल्फ ब्रोकेड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं आपको दूसरे तरह के ब्रोकेड्स बाद में सिखाऊंगी रेंडर करना। सेल्फ ब्रोकेड में पहले तो उसका राइट रिफ्लेक्शन होता है तो बहुत सारे एरियाज़ में हाइलाइट्स होते हैं। ब्रोकेड में पहला हाइलाइट होता है, दूसरा क्योंकि सेल्फ डिज़ाइन है तो जो जहाँ पे भी डिज़ाइन कम या ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे आपको ग्रे कलर के एंगल्स में डिज़ाइन नज़र आएगा। और जो भी बेस कलर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे येलो है तो येलो का जो एक हायर टोन है उस टोन में आपको उसका शेडोज़ दिखेगा जो कि ऑरेंज हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं एंड फॉलो अलोंग विद मी। आपका पेंसिल थोड़ा शार्प होना चाहिए जब आप डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑरेंज कम शार्प भी चलेगा क्योंकि हम ऑरेंज सिर्फ शैडो के लिए यूज़ कर रहे हैं, और आप उसको शार्प करने के लिए इस तरह के बड़े इरेजर का शार्पनर का यूज़ करिए, क्योंकि कलर पेंसिल का जो टिप होता है वो टूट जाता है। आपको सिर्फ शार्पनर में डालना है, उसके टिप को आपको ऐसे स्मूथली सिर्फ राउंड करना है इस तरीके से, देखिए आप उसको छिलना नहीं है। जब इतना ज़्यादा पॉइंट होता है और उसके ऊपर अगर आप बहुत शार्प करने की कोशिश करते हैं तो टिप टूट जाता है, स्पेशली स्टेडलर्स बहुत सॉफ्ट होता है, तो आपको सिर्फ लाइटली उसको रोटेट करना है शार्पनर के अंदर। ध्यान रखिए आप ऑरेंज को बहुत पुश नहीं करेंगे ब्रोकेड के ऊपर, आपको सिर्फ एक लाइट स्ट्रोक देना है ऑरेंज का। बहुत लाइट सा स्ट्रोक जो कि आपको येलो से थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, शायद आपको कुछ खास नज़र भी ना आए, लेकिन आपको स्ट्रोक्स काफ़ी लाइट रखना है और लाइंस के थ्रू आपको डिज़ाइन क्रिएट करने की कोशिश करना है। यहाँ देखिए मैं लाइंस दे रही हूँ ऑरेंज कलर से, बहुत ही लाइट कलर के लाइंस है, शायद आपको नज़र भी ना आए। सेम वे में आपको ग्रे का इस्तेमाल करना है, ग्रे को भी आपको लाइटली प्रेस करना है
आप कहीं कहीं पे आपको, जैसे इस एरिया में मैंने ग्रे को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। क्यों? क्योंकि यार स्लीव पे जो मुझे है प्रोमिनेंट डिज़ाइन दिखाना था। जब आपको डिज़ाइन प्रोमिनेंट दिखाना है तो आपको ग्रे को ज़्यादा क्लियर, लेकिन आपको जब वेक डिज़ाइन दिखाना है तो आप लाइटली प्रेस करते हैं। और इसके अलावा दूसरा रीज़न ये भी है कि ये हाथ के नीचे वाले पोर्शन पे आ रहा है, और जब आप इसका स्किन टोन देखेंगे तो यहाँ पर लाइट कम है कंपेयर टू टॉप पोर्शन से, तो इसलिए भी यहाँ पे ज़्यादा डार्कर ग्रे होगा। आपकी कोशिश कोई एक्चुअल डिज़ाइन इमिटेट करने की नहीं, बल्कि आप एक बेसिक बेसिकली आप कह लीजिए कि आप पेपर पे सिर्फ स्क्रिबल कर रहे हैं डिज़ाइन, क्योंकि ऑब्वियसली पैटर्न बनाना इसमें पॉसिबल नहीं है जिस तरीके का जो है, लेकिन आप जो भी स्क्रबल कर रहे हैं उसके अंदर उसके बचे हुए पोर्शन में आपको ग्रे फिल कर देना है, ताकि आपका जो उठा हुआ पोर्शन है वो आपको नज़र आ सके। अब मैं सिंपली यहाँ पे ग्रे और ऑरेंज को ऑल्टरनेटली यूज़ कर रही हूँ। ग्रे जो है मैं यहाँ पे ग्रे जो है उसको डिज़ाइन स्क्रिबल करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, और ऑरेंज को उस डिज़ाइन के लिए एज अ रिफ्लेक्शन यूज़ कर रही हूँ। मैंने कुछ एरिया छोड़ा हुआ है जो आपको ब्लैंक दिख रहा होगा, वो ब्लैंक इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। जहाँ पर भी आपको रिफ्लेक्शन दिखाना है प्रॉपर, क्योंकि ब्रोकेड में प्रॉपर रिफ्लेक्शन होता है, तो वहाँ पर आपको एरिया ब्लैंक छोड़ना है। हम बाद में वहाँ पर वाइट ऐड करेंगे, तो आपको जस्ट उस ब्लैंक एरिया में वाइट जो है पुश करते हुए वाइट फिल करना है। सो अगर आप इधर अभी तक देखेंगे तो आपको अब इसमें टेक्सचर नज़र आना शुरू हुआ होगा, और ये सिर्फ स्क्रिबलिंग है दो कलर्स यूज़ करके। आपको स्क्रिबल करना है अपने बेसिकली जो येलो कपड़ा है उसको टेक्सचर देने के लिए। इन दो कलर्स में स्क्रिबल करना है, एक रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा डिज़ाइन को। तो आप ऑरेंज से जितना भी रिफ्लेक्शन है वो ऑरेंज से करेंगे, और जितना भी डिज़ाइन है या शेडो है वो आप ग्रे और ऑरेंज दोनों के कॉम्बिनेशन से करेंगे। सो एज़ यू कैन सी द लहंगा इज़ रेडी, वी हैव टू डू द दुपट्टा एंड द डोरी द स्ट्रिंग। The dupatta is not a brocade fabric, it's a chiffon, just the borders of the dupatta is in brocade, so it's not chiffon, it's net fabric, the dupatta is a net fabric, so let's see how we can do it. So if you see the blouse and the top, you will see a lot of reflections because it's a brocade and it's a self brocade, so obviously it's more than the design you see the reflection. So what else you need to know is that since the dupatta is not a brocade dupatta, only this portion of the dupatta and this portion where the lace is attached, it's a brocade part which is very minimal, with not much of design or anything. So you will fairly see the fabric here is dull in color compared to the lehenga. You won't see a lot of reflection. You have to kind of tone down the reflection in the dupatta. We will simply fill the dupatta first with the light yellow color. एंड यहाँ पर हम बहुत सारा पानी मिक्स करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि ये ब्रोकेड नहीं है। सो द दुपट्टा इफ़ यू सी इज़ गोइंग इनसाइड, सो द इनसाइड पोर्शन ऑफ द दुपट्टा इज़ गोइंग टू बी वे डार्कर, इट विल बी एक्चुअली पेल येलो, एंड द डोरीज आर ऑन टॉप, सो देर विल बी लाइटर देन द दुपट्टा। All you see, because of these loops, it will become dark. The inside will become dark and the outside will become bright. The dori, the string.
जो दुपट्टा का सॉरी जो ब्लाउज की डोरी है वो लाइट कलर में होगा, और दुपट्टा क्योंकि आप अंदर का पोर्शन देख रहे हो, कभी भी आप अंदर का पोर्शन कलर करोगे तो वो बाहर से ज़्यादा डार्क होगा। इसी तरह से दुपट्टा में ये पोर्शन ब्रोकेड है तो ये ब्राइट होगा इस कंपैरिजन में, क्योंकि ब्रोकेड शाइन करता है लेकिन जो आपका नेट है वो शाइन नहीं करता है तो वो डार्क होगा। कपड़ा जो आपको हाथ के दो एरिया के बीच में दिख रहा है वो और डार्क होगा, क्यों? क्योंकि इससे शैडो बहुत ज़्यादा इन दोनों हाथ का जो शैडो है इस कपड़े पे आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम रेंडर करेंगे। So this tutorial is done and I hope you learned something today. If you did, make sure to like and subscribe to my channel, and I'll keep making videos for you guys. Till then, practice and let me know how you find the tutorial. If you have any doubts, anything regarding this video, you can post in the comment as well. Thank you so much.